एवरीवन, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, नीरज पांडे की मूवी औरों में कहा दम था फाइनली थिएटर्स पे आ चुकी है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि ये मूवी कैसी और ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। यंग लड़के और लड़की का एक दूसरे से मिलना, उनकी फ्रेंडशिप होना, फिर उनकी मुलाकातें बढ़ना और फिर एक दूसरे से प्यार करना, लेकिन एक दिन किसी वजह से इन दोनों का अलग हो जाना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये मूवी औरों में कहा दम था। मूवी की स्टार्टिंग में आपको नजर आता है यंग कृष्णा, जिसका रोल प्ले करा है शांतनु महेश्वरी ने, और यंग वसु या फिर वसुधा, जिसका रोल प्ले करा है साई मांजरेकर ने। कृष्णा और वसुधा एक दूसरे के साथ बैठे नजर आते हैं, वहीं वसुधा कृष्णा के कंधे पर सिर रखे बैठी है और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मूवी के दूसरे सीन में आपको नजर आएंगे इस यंग कृष्णा से बदलकर खतरनाक कृष्णा बने अजय देवगन। अभी जो कृष्णा है ये जेल में बंद है और इसे काफी टाइम हो गया जेल में रहते हुए, और काफी लंबे टाइम से जेल में रहने की वजह से कृष्णा का जो खौफ है, जो दबदबा है, वो काफी ज्यादा है जेल में। लेकिन अब टाइम है कृष्णा के जेल से बाहर आने का, और कृष्णा जेल से बाहर आते भी हैं। जेल से बाहर आने के बाद कृष्णा की मुलाकात होती है अपने पुराने प्यार अपनी वसुधा से। अब वसुधा भी बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी भी हो चुकी है। अब इस वसुधा का रोल प्ले करा है तब्बू ने। अब काफी सालों के बाद इन दोनों का मिलना, बातें करना, बीते लम्हों को याद करना, ये सारी चीजें काफी अच्छी, काफी रोमांटिक, काफी इंटेंस, काफी इमोशनल हैं। लेकिन इन सब के बाद भी क्या ये मूवी देखने लायक है? मूवी की स्टोरी और मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है। इवन मूवी की जो कास्टिंग है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी मूवी उस लेवल की नहीं है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस मूवी में उतना दम नहीं है जितना इस मूवी की स्टोरी में है। मूवी देखने में उतना मजा नहीं आया, और इसके पीछे वजह है मूवी के टेक्निकली पुअर होने का। जो मूवी का स्क्रीन प्ले है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि इस मूवी को खींच तांच के इतना लंबा बनाया गया है। इस मूवी का टोटल रन टाइम 2 घंटा 20 मिनट है। मूवी की जब स्टार्टिंग होती है, आप मूवी देखने बैठते हो, वो मूवी आपको इतना ज्यादा स्लो लगेगी कि आप बोर होने लगते हो और आप लोग ये विश करने लगते हो कि एटलीस्ट इस मूवी का सेकेंड हाफ तो फास्ट पेसिंग हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी का सेकेंड हाफ भी फास्ट पेसिंग नहीं होता, ये पूरी की पूरी मूवी बहुत ज्यादा स्लो पेसिंग है, और जिसकी वजह से ये मूवी कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट खोने लगती है और ये मूवी बोरिंग हो जाती है। साथ ही में इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी कुछ खास अच्छे नहीं है, जैसे कि एक रोमांटिक मूवी है और रोमांटिक मूवी के जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस मूवी के सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करें मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक सीन है जेल वाला जहाँ पे अजय देवगन जेल में होते हैं, वहां पे उनके बैकग्राउंड में लगाया गया एक सॉन्ग किसी रोज, जो सीन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। या तो बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक नहीं है, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक का जो सिलेक्शन है वो मुझे ठीक नहीं लगा। लेकिन अगर हम मूवी की कास्टिंग की बात करें तो मूवी की कास्टिंग काफी अच्छी है, जैसे कि मूवी में जो सीनियर एक्टर्स है, जैसे कि अजय देवगन है, तब्बू है, जिमी शेरगिल है, इन लोगों ने काफी अच्छा काम करा है। अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री का तो ऑडियंस पहले से ही बहुत ज्यादा फैन रही है, और इस बार भी अजय देवगन और तब्बू की जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन देखने को मिली है वो काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं जिमी शेरगिल ने भी अपना काम अच्छे से निभाया है। वहीं अगर हम लोग बात करें यंग एक्टर्स जैसे शांतनु महेश्वरी और साई मांजरेकर की, तो साई मांजरेकर का काम मूवी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लो लगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे एक्सप्रेशनलेस लगी। लेकिन शांतनु महेश्वरी का जो काम है मूवी में वो बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। लेकिन अगर ओवरऑल मूवी के डायरेक्शन को देखा जाए, तो मूवी की कास्टिंग को हटाकर अगर टेक्निकली देखें, तो टेक्निकली मूवी मुझे बहुत पुअर लगी। मूवी की जो डायरेक्शन है टेक्निकली वो मुझे बहुत ज्यादा पुअर लगी। अच्छी खासी कास्टिंग और अच्छी खासी स्टोरी को यूज करके अच्छी खासी मूवी को बनाया जा सकता था, वो भी कम टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी वजह से मैं मूवी को स्कोर करूंगी 2.5 out of 5, क्योंकि ये मूवी मुझे बिल्कुल एवरेज लगी। मूवी की स्टोरी उतनी ही है जितनी मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन हाँ मूवी में एक छोटा सा क्लाइमेक्स है जो मूवी के एंड में है। अदरवाइज मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी है वो थोड़ी सी ही है, लेकिन इस स्टोरी को इतना ज्यादा स्ट्रेच करा गया, इतना ज्यादा पुल करा गया है कि ये मूवी जबरदस्ती की लेंथी कर दी गई है। अगर मूवी को तरीके से बनाते तो ये मूवी की जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं कम भी होती और ये मूवी इंटरेस्टिंग भी बनती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसी वजह से मैंने इस मूवी के स्कोर्स माइनस करे हैं। बाकी इस मूवी की जो लव स्टोरी आप लोगों को दिखाई गई है वो 90s की लव स्टोरी है। मूवी की स्टोरी कॉन्सेप्ट अच्छा है, मूवी की कास्टिंग काफी अच्छी है, लेकिन मूवी उतनी अच्छी नहीं है। अगर मूवी के फर्स्ट डे के थिएटर रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, तो मूवी का जो फर्स्ट डे का थिएटर रिस्पॉन्स है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। मूवी के जो थिएटर्स हैं वो कई जगहों पे खाली रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि मूवी को ऑडियंस फर्स्ट डे नहीं मिल पाई है, और जिस तरह के मूवी के रिव्यूज सामने आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये मूवी थिएटर्स में अपनी ऑडियंस को बुला पाएगी। बाकी अगर आप लोग मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो और आपका मन है मूवी देखने को, तो आप जाके मूवी
देख सकते हो, लेकिन मूवी से एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखना क्योंकि ये मूवी एकदम एवरेज है। ये मूवी वन टाइम वॉच वाली मूवी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो आप लोग वेट कर सकते हो, कुछ टाइम बाद ये मूवी ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर आ ही जाएगी। और वैसे भी न्यूज में आ ही चुका है कि अमेजोन प्राइम इस मूवी को अपने चैनल पे स्ट्रीम कर ही देगा, तो अगर आप लोग चाहो तो इस मूवी को थिएटर्स पे जाके देख सकते हो, नहीं तो आप लोग वेट कर लेना, ओटीटी पर ये मूवी आ जाएगी। ये था मेरा रिव्यू मूवी औरों में कहा दम है को लेकर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।